ये क्या चल रहा है? तो अस्सलाम वालेकुम, मैम आई है कि नहीं आई है? सर ने भी लीव कर दिया मैम, तो आ जाओ बच्चों। सर के इंटरनेट का इशू है। पैर पढ़ाते हैं, मैम नहीं पढ़ाती। मैम कौन सी, ये सब्जेक्ट कौन सा है? आप किसी कलर क्लास में तो नहीं आ गए? वो मुझे मैम कह रहा है, तुम लोग समझे नहीं। चलो साथ ही शिफ्ट हो जाओ तुम। सर आ गए, सर आ जाएंगे अभी मीटिंग में। आ गए बात कर लेते। आ गए हैं, वही तो करा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम सर। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, मेरा सिस्टम अभी वापस आया है ओबीएस से। जी सर आ रही है। अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था, मेरा सिस्टम अभी वापस आया है ओटीएस से, इसमें अभी भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। इस वजह से ना अभी आज तो क्लास एक तो लेट शुरू हुई है, दूसरा अभी तक रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हो सकी। आज इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी सारी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ा था? यस सर। आप मुझे बताएं 2 ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से हैं? हैंड रेस करना है आप लोगों ने। आपसे सवाल पूछूंगा, ग्राम नेगेटिव कोकाई कौन से हैं? दो उसकी चीज हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम।
ऐसा आप बताएं सर, नजीरिया मेनिनजाइटिस एंड नजीरिया गोनोरिया। बेटा ये तो दोनों बैक्टीरिया एक ही जीनस के हैं ना, मैंने लास्ट में आपको दो दूसरी कौन सी थी? ये ग्राम नेगेटिव पढ़ा था मैंने। बेटा दूसरी थी मोरेक्सेला, वो जो है ना वो क्लास में बताई थी। यस सर। अच्छा आप मुझे बताएं कि नाइजीरिया गोनोरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? आदिल आप बताएं। यस सर। नाइजीरिया गोनोरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट। अच्छा और ये क्या कॉज करते हैं? किस में, मेल या फीमेल में? नहीं मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सी डिजीज़ कॉज करेगा। आयशा आप बताएं। सर फीटस में होता है, इसमें विजन का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा और ठीक है, सो जो आपने सही बताया पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होगी, उसके अलावा क्या होगा? आदिल आपको पता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठीक है, वो बेसिकली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कॉम्प्लिकेशन होती है कि उसके बाद पीआईडी में फिलोपियन ट्यूब की स्कारिंग होती है, उसकी वजह से फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। It is not the direct result of gonorrhea. It is rather the complication of pelvic inflammatory disease, which can also occur as a result of chlamydia. So, आप लोगों ने directly ectopic pregnancy नहीं बताना होता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि disseminated gonococcal disease क्या है? आदिल आप बताएं। सर समझ नहीं आ रही कौन क्या चीज पूछ रहा है। आदिल मैं पूछ रहा हूँ डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज क्या है? पता नहीं सर, मतलब आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा। सर इसमें इसके सिम्टम्स होते हैं फीवर, चिल्स, मलेज और स्किन लीजंस वगैरह। और क्योंकि मैंने आपको लास्ट और सर इसमें मतलब इसमें हो जाते हैं जो जॉइंट्स होते हैं वो फ्लेम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वोलन हो जाती है और फुल ऑफ पस एंड फ्लूइड। हाँ उसे हम कहते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। अब सर बिल्कुल ठीक बताया, डिसेमिनेटेड गोनोकोकल डिजीज के दो पार्ट होते हैं। इनिशियली हमारे पास बैक्टीरिमिया होगा, बैक्टीरिमिया में फीवर, चिल्स और स्किन लीजन्स होंगी, और सेकंड पार्ट में हमारे पास सेप्टिक आर्थराइटिस होगा जिसमें एक जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, मोस्टली नी जॉइंट, जिसमें जॉइंट हमारे पास स्वोलन, रेड और पेनफुल होगा, पल्स कलेक्शन होगी और मूवमेंट, रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम होती है उस जॉइंट पर फिर। अच्छा बेटा हम लोगों ने पिछला लेक्चर पढ़ा है। यस सर। सर थोड़ा सा पूरा नहीं। अच्छा आप मुझे बताएं नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के वायरोलेंस फैक्टर्स क्या है? ओलिगोसैकेराइड और आईजीए। आईजीए आईजीए प्रोटीएस ठीक है, और उसके बाद लिपोलिगोसैकेराइड होती है और पॉलीसैकेराइड ठीक है बच्चा ठीक है। आप मुझे बताएं कि वाटरहाउस फ्रेडरिकसन सिंड्रोम क्या है? बताओ सोबिया। सो ये एड्रिनल ग्लैंड्स में हेमरेज हो जाता है। अच्छा और होता क्यों है, इसमें क्या फीचर्स होंगे? चलिए आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग नहीं थी इसलिए आप लोग आई थिंक पढ़ के नहीं आए, अगले लेक्चर में आप लोग पढ़ के आइएगा
और आज इंशाल्लाह आपके साथ सस्पेंड प्लान भी शेयर कर दिया जाएगा। सबको नजर आ रही है स्लाइड्स? यस सर। अभी तक हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को काए कवर किए हैं, आज हम शुरू करेंगे रॉड्स और बैसिलस। ग्राम पॉजिटिव रॉड शुरू करेंगे आज हम। ग्राम पॉजिटिव रॉड में जो हमारे पास मेडिकली इंपॉर्टेंट जॉन्ड्राज हैं, उनमें हमारे पास आती है बैसिलस। बैसिलस हमारे पास होते हैं ग्राम पॉजिटिव रॉड होते हैं विद स्क्वेयर्ड एंड्स होते हैं। इनकी फर्दर तीन स्पीशीज हैं, बैसिलस एंथ्रासिस है और बैसिलस सबटाइलस है और बैसिलस सेरिस है। ये हम तीनों आज पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम में भी आप फर्दर आगे चार स्पीशीज आती हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है, क्लोस्ट्रीडियम पोस्टलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये हम कवर करेंगे अगले लेक्चर्स में। उसके बाद आता है लिस्टेरिया। लिस्टेरिया और कोरिनीबैक्टीरियम, गार्डनेला एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आज हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, तो आप प्लीज वो खुद ऐड कर लीजिएगा जो ग्राम पॉजिटिव वार्ड्स में वो आते हैं। और बेसिकली जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होगा, इट इज स्टेन विद एसिड फास्ट स्टेन और कार्बल फ्यूजन स्टेन। एसिड फास्ट स्टेन आप याद रखें, इट इज इजियर टू रिमेम्बर। जब हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में या टीबी में जाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे कि एसिड फास्ट स्टेन क्या होता है और किस वजह से होता है। आज हम शुरू करेंगे स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से। हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जॉन्ड्राज आते हैं, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। इन दोनों जॉन्ड्राज में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं। बैसिलस में जाने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन सब स्पीशीज हैं, बैसिलस एंथ्रासिस है, बैसिलस सेरिस है और बैसिलस सबटाइलस है। क्लोस्ट्रीडियम में चार सब स्पीशीज हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, क्लोस्ट्रीडियम बोसिलाइनम, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एंड क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल। ये जो सात बैक्टीरिया हैं या फिर जो दो जॉनराज हैं बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, इन्हें हम कहते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। बेटा सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? यस सर। बैसिलस की तीन स्पीशीज तो मैं आपको बता चुका हूँ और आज के लेक्चर में हम ये डिटेल में पढ़ेंगे, और क्लोस्ट्रीडियम की जो चार स्पीशीज हैं ये हम कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि स्पोर क्या होता है। स्पोर इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स कंडीशंस। अब एडवर्स कंडीशंस हमारे पास क्या हो सकती हैं? मतलब बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में वाटर कम हो सकता है या फिर न्यूट्रिएंट्स कम हो सकते हैं। इन एडवर्स कंडीशंस की वजह से ये बैक्टीरिया स्पोर बनाते हैं। स्पोर का क्या फंक्शन है? स्पोर इज अ हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर एंड इट इज रेजिस्टेंट टू हीट, केमिकल डिहाइड्रेशन एंड अदर थिंग्स दैट कैन किल द बैक्टीरिया। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारे पास होते हैं ना स्पोरिसाइडल एजेंट्स यूज करते हैं हम लेबोरेटरी ऑपरेशन थिएटर में। फॉर एग्जाम्पल ऑटोक्लेव है जो कि हमारे पास मोस्ट कॉमनली इम्प्लॉयड टेक्निक है टू किल द बैक्टीरिया इन साइड द ऑपरेशन थिएटर। आप जब इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं वो मोस्टली ऑटोक्लेव के थ्रू करते हैं। तो ये जो स्पोर्स होते हैं ये ऑटोक्लेव रेजिस्टेंट भी होते हैं, हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं और ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैक्टीरियल स्पोर्स आर हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू एडवर्स कंडीशंस। स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन अकर व्हेन द न्यूट्रिएंट्स सच एज सोर्स ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर डिप्लीटेड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। स्पोर में हमारे पास होता क्या है? स्पोर में हमारे पास बैक्टीरियल डीएनए होगा, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होगा, सेल मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकन और साथ में थोड़ी सी अमाउंट में वाटर होगा। सो जो स्पोर होता है उसकी कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, इट इज मेटाबॉलिकली डोरमेंट। और जो स्पोर में एक हाई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो होता है केराटिन लाइक कोट। केराटिन लाइक कोट इज मेड अप ऑफ डिपिक्लोरिक एसिड। और इसका फंक्शन क्या है? बेसिकली केराटिन लाइक कोट ही होता है जो कि हमारे पास हीट, डिहाइड्रेशन, केमिकल और रेडिएशन रेजिस्टेंट होता है। Most important here, thick keratin-like coat that is responsible for the remarkable resistance of the spore to heat, dehydration, radiation, and chemicals. This resistance may be mediated by dipyglucuronic acid, a calcium ion chelator found only in spores.
Once the spore is formed, the spore has no metabolic activity and it can remain dormant for many years. जब बैक्टीरिया की हमारे पास दोबारा एक्सपोजर होता है टू द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द एनवायरनमेंट, तो ये जो स्पोर होते हैं ये फिर से हमारे पास जर्मिनेट करते हैं इनटू अ बैक्टीरिया, और फिर बैक्टीरिया अपने इन्फेक्शन कॉज कर सकता है या अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर सकता है. वंस फॉर्म्ड द स्पोर हैज नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड इट कैन रिमेन डोरमेंट फॉर मेनी ईयर्स अपॉन एक्सपोजर टू वाटर एंड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स. स्पेसिफिक एंजाइम डिग्रेड द कोड water and nutrients enter and germination into a potentially pathogenic bacterial cell occurs. yahan tak sabko samajh aaiye beta ki spore kya hota hai, kyun banta hai aur spore ka function kya hai? yes sir. beta agar koi confusion ho to aap log pooch sakte ho, isme koi masla nahi hai. no sir. theek hai Adit, abhi tak ne formation of bacterial spore ki formation kaise hoti hai? बेसिकली ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और आपको ये स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर बड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है जिसको कि न्यूक्लियोइड के अगेंस्ट के न्यूक्लियोइड के साथ एक सेप्टम ग्रो करेगा. इसे हमारे पास ये डीएनए आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया, सेप्टम आ गया. सेप्टम के बाहर हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर बनेगी और उसके बाहर हमारे पास फिर केराटिन लाइक कोट या फिर डिपिक्लोनिक एसिड की लेयर बनेगी और इस तरह से पूरा स्पोर बनेगा और फिर वो स्पोर बैक्टीरियल सेल से रिलीज हो जाएगा. नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव स्पॉट्स के जानवर कौन कौन से हैं? इन दोनों के अलावा हमारे पास जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सबके सब नॉन स्पोर फॉर्मिंग है. सिर्फ बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम हमारे पास स्पोर फॉर्मिंग है. उसके अलावा लिस्टीरिया, कोरिनी बैक्टीरियम, माइक्रो बैक्टीरियम, कार्डिनला, ये सबके सब नॉन स्पोर फॉर्मिंग है. अब हम शुरू करेंगे बैसिलस के साथ. बैसिलस एंथ्रासिस. बैसिलस एंथ्रासिस के जनरल फीचर्स में यह है कि इट इज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड विद स्क्वायर एंड्स. ये हमारे पास एक इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है. बेटा अभी तक हमने जितने भी बैक्टीरिया पढ़े हैं और इसके बाद हम जितने भी बैक्टीरिया पढ़ेंगे उन सबका कैप्सूल बनना होता है पॉलीसेकेराइड से. आप पूरी माइक्रो में सिर्फ एक बैक्टीरिया देखेंगे, एक बैक्टीरिया देखेंगे जिसका कैप्सूल बनना होता है पॉलीपेप्टाइड से. पॉलीपेप्टाइड मतलब कि प्रोटीन, और उस पॉलीपेप्टाइड के जो सब यूनिट होते हैं वो होता है पॉली डी ग्लूटामेट. डी ग्लूटामेट से प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन से इस बैक्टीरिया का कैप्सूल बनेगा. तो ये काफी अच्छा वाइवा क्वेश्चन बन जाता है और बच्चों को लाइक लास्ट सेमेस्टर में जब मैंने वाइवा लिया था तो बच्चों को ये सवाल नहीं आया था, बहुत सारे बच्चों को नहीं आया था. तो ख्याल रखिएगा आप इस दफा. बैसिलस एंथ्रासिस इज अ ओनली ग्राम पॉजिटिव फ्रॉड जिसका कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड से बना होता है और इसका सब यूनिट है पॉली डी ग्लूटामेट. ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल होंगे, लेकिन बैसिलस स्पीशीज के जो दूसरे मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैसिलस सबटाइलस है या बैसिलस सीरीज है, वो हमारे पास मोटाइल होंगे. बेटा रिजर्वॉयर क्या है इसका? इसका रिजर्वॉयर हमारे पास होता है हूफ्ड एनिमल्स, मतलब कि शीप हो गए, कैटल हो गए, गोट्स हो गए, वो इसका बेसिकली रिजर्वॉयर है. और इन्हीं एनिमल्स की फर्ज में हो सकता है, हायर्स में हो सकता है. और जब भी एनिमल्स हमारे पास लाइक किसी भी वायर से दफना दिए जाते हैं तो फिर इनके जो बॉडी में स्पोर्स होते हैं वो स्पोर्स में जाके सॉइल को कंटेमिनेट कर सकते हैं. तो अगर इसका बेसिक रिजर्वॉयर पूछा जाए तो वो हमेशा हूफ्ड एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल शीप, कैटल एंड गोट्स वगैरह हैं. इसके विरुलेंस फैक्टर्स क्या हैं? इसके विरुलेंस फैक्टर में आता है कैप्सूल. कैप्सूल का फंक्शन क्या है आप लोग बताएं, मैं आपको पहले बता चुका हूं. सॉरी समझ नहीं आई. एंटीफैगोसाइट. हाँ जी बिल्कुल. कैप्सूल आप माइक्रो में जहां भी पढ़ेंगे इसके दो फंक्शन हो सकते हैं. एंटीफैगोसाइटिक फंक्शन हो सकता है जो कि अक्सर बैक्टीरिया में एंटीफैगोसाइटिक फंक्शन ही होता है. कुछ बैक्टीरिया जहां पर कैप्सूल का फंक्शन अटैचमेंट भी होता है. ठीक बताया आपने आदिल. इसके जो दूसरा विरुलेंस फैक्टर है वो है स्पोर्स. जी बेटा चलिए आगे चलते हैं. इसका जो दूसरा विरुलेंस फैक्टर है वो है स्पोर्स. स्पोर्स हमारे पास कब बनते हैं? स्पोर्स हमारे पास तब बनेंगे जब बैक्टीरिया का एनवायरनमेंट उसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में वाटर कम है या फिर न्यूट्रिएंट्स कम है या फिर ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल नहीं है तो बैक्टीरिया के लिए, तो तब बैक्टीरिया स्पोर्स बनाएगा.
सोर्स हमारे पास फंक्शन क्या है, सोर्स हमारे पास हीट, केमिकल डिहाइड्रेशन और रेडिएशन रेजिस्टेंट होते हैं। और जब हमारे पास बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट दोबारा से अवेलेबल होगा, फिर हमारे पास स्पोर्स दोबारा से जनरेट करेंगे इनटू फुल ब्लॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसका जो तीसरा विरोधनेस फैक्टर है वो है एंथ्रेक्स टॉक्सिन। जो हमारे पास बैसिलस एंथ्रेसिस है ये एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। इस टॉक्सिन के फर्दर तीन कंपोनेंट्स हैं, प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, एक होता है एडिमा फैक्टर और एक होता है लीथल फैक्टर। आगे जाके हम देखेंगे इन तीनों के फंक्शन क्या है। जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि बैसिलस एंथ्रेसिस हमारे पास एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा और इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, एक हमारे पास है प्रोटेक्टिव एंटीजन, एक है एडिमा फैक्टर और एक है लीथल फैक्टर। प्रोटेक्टिव एंटीजन का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव एंटीजन का काम ये है कि इसने एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर को बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स से प्रोटेक्ट करना है और सेल में इन दोनों की एंट्री को मीडिएट करवाना है। एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर इन दोनों को प्रोटेक्टिव एंटीजन इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट करेगा और इन दोनों की एंट्री को बॉडी की सेल्स के अंदर मीडिएट करवाएगा। After the edema factor and lethal factor have gained entry into the cell, जो हमारे पास एडिमा फैक्टर है वो एक्टिवेट करेगा जी एस प्रोटीन को। जब वो हमारे पास जी एस प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा तो उसे प्रोड्यूस होगा cyclic AMP और cyclic AMP के नतीजे में वाटर की हमारे पास secretion होगी इन साइड अ सेल और सेल में हमारे पास एडिमा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास fluid accumulation होती है। मेरे सबको यहाँ तक समझ आई है? सर ये जरा दोबारा रिपीट। सो बेटा ये अगली स्लाइड इस स्लाइड में आपको मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, अगली स्लाइड भी इसी की है। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। दूसरा है लीथल फैक्टर। लीथल फैक्टर क्या करेगा कि वो हमारे पास सेल के अंदर जाएगा और मैप काइनेस MAP काइनेस को इनहिबिट करेगा। मैप काइनेस बेसिकली सेल की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, तो जब हम मैप काइनेस को इनहिबिट कर देंगे, उसको क्लीव कर देंगे, इनएक्टिवेट कर देंगे, तो उसकी वजह से सेल की डेथ होती है। आप ये डायग्राम देख लें कि हमारे पास जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, प्रोटेक्टिव एंटीजन है, एडिमा फैक्टर है और लीथल फैक्टर है। प्रोटेक्टिव एंटीजन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करेगा और एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर की एंट्री करवाएगा सेल के अंदर। जब हमारे पास एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर सेल के अंदर एंटर हो गए हैं, अब उसके बाद हमारे पास जो एडिमा फैक्टर है वो एक्टिवेट करेगा जीएस प्रोटीन को और उसके नतीजे में एटीपी से प्रोड्यूस होगा साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक एएमपी की वजह से हमारे पास फ्लूइड की और वाटर की सेक्रीशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास लोकल टिश्यू में एडिमा होगा। जो हमारे पास लीथल फैक्टर है वो हमारे पास मैप काइनेज को इनहिबिट करेगा, उसकी क्लीवेज कराएगा, जिसकी वजह से हमारे पास सेल की डेथ होगी और नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया होगा। अदिल आप समझ आई? यस सर। एक बच्चा रिपीट कर रही है, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ वाईवे में और बच्चों ने अक्सर ना टॉक्सिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद नहीं किया हुआ था, तो एक बच्चा रिपीट कर रही है। आदिल आप ही रिपीट करते हैं। सर सबसे पहले जो है वो प्रोटेक्टिव जो है एंटीजन वो जाके अटैच होगा और उसकी वजह से जो ये लीथल फैक्टर है और क्या था ये लीथल फैक्टर और डीमा फैक्टर जो है ये अंदर जाएंगे सेल के। उसके बाद जो है एडिमा फैक्टर जो है वो साइक्लिक एएमपी बनाएगा, जिसकी वजह से जो है एडिमा होगा, मतलब वाटर ज़्यादा हो जाएगा सेल के बीच में। और फिर उसके बाद जो ये है लीथल फैक्टर वो जो है एमएपी के एस को आपने बताया ये मैप काइनेस की डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से नेक्रोसिस और हाइपोक्सिया होगा और सेल जो है वो उसकी मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, सेल डेथ होगी, सेल डेथ नेक्रोसिस हो जाएगा। ओके सेल डेथ। ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, थैंक यू आदिल। अब हम कंटिन्यू करते हैं बैसिलस एंथ्रेसिस की हमारे पास ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है।
बेसिलस एंथ्रेसिस की ट्रांसमिशन हमारे पास तीन तरीकों से हो सकती है कि इसके स्पोर्स की डायरेक्टली इनहेलेशन हो सकती है। इसके स्पोर्स की इनहेलेशन मोस्टली उन लोगों में होती है जो कि हमारे पास शीप को हैंडल करते हैं, हूव्ड एनिमल्स को हैंडल करते हैं, तो उनकी बॉडी से या उनकी फर से या उनकी हाइट से स्पोर की डायरेक्टली इनहेलेशन हो सकती है। जब स्पोर की डायरेक्टली इनहेलेशन होगी तो ये जाके हमारे पास लंग्स में डिजीज कॉज करेंगे, जिसे हम कहते हैं वूल सॉर्टर्स डिजीज। उसके बाद हमारे पास इनोकुलेशन, इनोकुलेशन मतलब ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन हो सकती है स्किन में। स्किन में कहीं पे कोई कट लगा है, फिर आपने उस कट की इतनी केयर नहीं की और आपने जाके हूव्ड एनिमल्स को हैंडल करना शुरू कर दिया है, तो या फिर आपने उस सॉइल को टच किया है विच इज कंटामिनेटेड विद स्पोर, तो वहां से फिर आपके कट में डायरेक्टली इस स्पोर की ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन हो सकती है। जब इसकी स्किन में ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन होगी तो अब हमारे पास कॉज करेगा एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में हमारे पास स्किन के ब्लैक एस्कार बन जाते हैं और इट इज रैपिडली प्रोग्रेसिव। अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट को बैक्टीरिया मतलब कि पूरी बॉडी में बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकते हैं और फिर पेशेंट की डेथ हो सकती है। जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इंजेशन ऑफ कंटेमिनेटेड मीट, मतलब कि आपने शीप का मीट जो कि स्पोर के साथ ऑलरेडी कंटेमिनेट हो चुका है उसकी कंजप्शन से इसकी ट्रांसमिशन हो सकती है। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया कि इसके जो स्पोर्स हैं वो हीट, केमिकल, डिहाइड्रेशन और रेडिएशन रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कुकिंग के भी रेजिस्टेंट होंगे। तो अगर हमारे पास शीप का मीट स्पोर्स के साथ कंटेमिनेटेड है और आपने उस मीट को कंज्यूम किया है तो उसकी वजह से भी इनकी ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर इंजेक्शन के थ्रू स्पोर्स की ट्रांसमिशन हो रही है तो तभी हमारे पास कॉज करेंगे गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रोएंटेराइटिस इस बैक्टीरिया की वजह से बहुत सीवियर होता है, इसमें ब्लड डायरिया होगा और अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एक्सपोजर के तीन तरीके हैं, इनहेलेशन हमारे पास स्पोर्स की इनहेलेशन के थ्रू होगा, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट्स हु हैंडल शीप और अदर हूव्ड एनिमल्स, और इनहेलेशन के नतीजे में ये कॉज करेगा वूल सॉर्टर्स डिजीज। इनोकुलेशन का मतलब है ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन ऑन द स्किन, इसमें हमारे पास बनेगा क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में हमारे पास आप देख सकते हैं डायग्राम में ब्लैक एस्कार बनेगा, और इसके अलावा कंटेमिनेटेड मीट की इंजेक्शन के थ्रू भी हमारे पास ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर कंटेमिनेटेड मीट की इंजेक्शन के थ्रू इंफेक्शन हो जाए तो उसमें हमारे पास कॉज करेगा गैस्ट्रोएंटेराइटिस। मेरा सबको समझ आ रही है ना? इनहेलेशन वाला जो डिजीज आपने बताया था उसके जरा स्पेलिंग बता देंगे? बेटा ये लिखी हुई है WOOLSORTS। तो डिजीज अभी हमने डिस्कस की कि कौन कौन से कॉज कर सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर सकता है, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स कॉज कर सकता है, और हमारे पास इनहेलेशन के नतीजे में कॉज करेगा वूल सॉर्टर्स डिजीज। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स क्या होता है? क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में बेटा स्किन के ऊपर हमारे पास पेनलेस ब्लैक अल्सर बनेगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में स्किन के ऊपर पेनलेस ब्लैक अल्सर होगा। उस अल्सर के एजेस पे हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एडिमा होगा, इसे हम कहते हैं क्यूटेनियस एंथ्रेक्स, और इसे हम मैलिग्नेंट पस्टुल भी कहते हैं। मैलिग्नेंट पस्टुल हम इसे इसलिए कहते हैं कि अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये डिजीज रैपिडली प्रोग्रेसिव है, मतलब कि अल्सर बड़ा होता जाएगा और फिर फर्दर बैक्टीरिया आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकता है, और ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर होगा तो उसके बाद पेशेंट की डेथ हो सकती है। दिस इज द क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हमारे पास स्किन पे होगा, मोस्ट कॉमन होगा। स्पोर्स एंटर्स द स्किन थ्रू स्मॉल लीजंस, मतलब कि ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन के थ्रू होगा, और इसमें ब्लैक एस्कार बनेगा। इनहेलेशन में हमारे पास स्पोर्स की इनहेलेशन होगी, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में मतलब कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है उसमें हमारे पास स्पोर्स की इंजेक्शन होगी। इससे आपको बेटा करने की जरूरत नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में क्या होगा? क्यूटेनियस एंथ्रेक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्किन के ऊपर एक ब्लैक अल्सर होगा, ब्लैक पेनलेस अल्सर होगा, ऐसे पेन नहीं होती, और उस अल्सर के जो एजेस होते हैं वो उनमें काफी प्रोमिनेंट एडिमा होता है, इसलिए हम इसके लेजन को ब्लैक एस्कार कहते हैं।
और इसके हम लिगेंड पोस्टीरियर भी कहते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो लीजन रैपिडली प्रोग्रेसिव होती है, मतलब कि वो जो अल्सर है वो बड़ा होता जाएगा और इवेंचुअली पेशेंट को बैक्टेरिमिया हो सकता है। बैक्टीरिया कैन गेन एंट्री इनटू पेशेंट्स ब्लड स्ट्रीम एंड इवेंचुअली कॉज डेथ। द टिपिकल लीजन ऑफ क्यूटेनियस एंथ्रैक्स इज अ पेनलेस अल्सर विद अ ब्लैक स्कार, मतलब क्रस्ट एंड स्कैब है। लोकल एडिमा हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। लीजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैलिग्नेंट पस्टुल। अनट्रीटेड केसेस प्रोग्रेस टू बैक्टीरिमिया एंड डेथ। ये हमारे पास एक ब्लैक स्कार की डायग्राम दिखाई हुई है, ठीक है। सेंटर में हमारे पास एक ब्लैक पेनलेस अल्सर है, ठीक है, और इस अल्सर की सराउंडिंग में हमारे पास प्रोमिनेंट एडिमा है। अगर आप इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये अल्सर इस तरह हमारे पास रैपिडली स्प्रेड करता रहेगा, ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो ये अल्सर रैपिडली स्प्रेड करता जाएगा। और अगर फिर भी आप ट्रीट नहीं करते देन द बैक्टीरिया कैन गेन एंट्री इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड इवेंचुअली कॉज डेथ। ये हमारे पास होता है क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स क्या होता है? इसमें हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंथ्रेक्स के सिम्टम्स वही होंगे जो नॉर्मली गैस्ट्रो एंटेराइटिस में होते हैं, मतलब पेशेंट को वॉमिटिंग होगी, फीवर होगी, सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी और ब्लडी डायरिया होगा। वैसे गैस्ट्रो एंटेराइटिस में इतनी सीवियर एब्डोमिनल पेन नहीं होती एक्सेप्ट इन केस ऑफ कॉलिक, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया की वजह से बहुत ज्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकती है। लेकिन जो एंथ्रेक्स है जो गैस्ट्रो एंटेराइटिस कॉज करता है, इसमें हमारे पास सीवियर एब्डोमिनल पेन होगी, फीवर, वॉमिटिंग होगी और साथ में पेशेंट को ब्लडी डायरिया होगा। और आप इसको ट्रीट कैसे करेंगे? इसको ट्रीट करने के लिए आपको कोई भी स्पेशल एंटीबायोटिक्स रिक्वायर नहीं है, मतलब कि जो गैस्ट्रो एंटेराइटिस की बात कर रहा हूँ बेटा, गैस्ट्रो एंटेराइटिस में आप सिंपली मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं। और वैसे भी जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज हैं जो कि कॉज करते हैं गैस्ट्रो एंटेराइटिस, उनके लिए हमारे पास जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो मेट्रोनिडाजोल ही है, जो कि हमारे पास इंटामिजोल के नाम से आती है। इंटामिजोल में वैसे एक एंटीबायोटिक ड्रग भी होती है, तो वही ड्रग ऑफ चॉइस है, वो इसके लिए भी इक्वली इफेक्टिव होगी। लेकिन जो हमारे पास क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हैं या पल्मोनरी एंथ्रेक्स हैं, इनके लिए आपको डिफरेंट ड्रग्स यूज करनी पड़ती हैं। पल्मोनरी एंथ्रेक्स या फिर वूल सॉर्टस डिजीज की बात करें तो ये हमारे पास होती कैसे है कि हमारे पास स्पोर्स की इनहेलेशन के थ्रू होगी। इनिशियली हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को जब ये इफेक्ट करेगी तो उसमें नॉन स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स होंगे जो कि इन्फ्लुएंजा को रिजेंबल करते हैं, मतलब पेशेंट को फीवर होगा, ड्राई कफ होगी और उसके अलावा हमारे पास फ्लू हो सकता है, मतलब नेजल कंजेशन हो सकती है, साथ में हमारे पास सबसेरल प्रेशर हो सकता है। इनिशियली हमारे पास नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जब, लेकिन आफ्टर लाइक वन और टू डेज पेशेंट को हमारे पास डेवलप हो सकता है हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस, मतलब कि मीडियास्टेनम की इन्फ्लेमेशन होगी या फिर हेमरेज होगा। और उसके अलावा ब्लडी प्यूरल फ्यूजन हो सकती है, सेप्टिक शॉक और डेथ हो सकती है अगर आप ट्रीट नहीं करेंगे। जो हमारे पास हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस है वो एक पैथोनिमोनिक फीचर है। हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस हमारे पास चेस्ट एक्सरे पे कैसा आता है, उसमें हमारे पास मीडियास्टाइनल वाइडनिंग होगी। मीडियास्टाइनल वाइडनिंग सीन ऑन चेस्ट एक्सरे इज एन इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन। हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस एंड हेमरेजिक मेनिनजाइटिस आर द सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। इसमें जो हमारे पास हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एंड इट ऑफन लीड्स टू डेथ। मेनिनजाइटिस ये बैक्टीरिया हमारे पास इतना कॉज नहीं करता जितना हमारे पास हेमरेजिक मीडियास्टेनाइटिस कॉज करता है। बेटा सब सबको यहाँ तक समझ आई है कि बैसिलस एंथ्रेसिस कौन कौन सी डिजीजेस कॉज कर सकता है? यस सर। आप ही हैं या बाकी बच्चे भी लेक्चर सुन रहे हैं? कोई बोल नहीं रहा? दोबारा और फिर आदिल कोई भी जवाब नहीं देगा, फिर आप सब आंसर करेंगे, ठीक है? जी विनाहिल आप क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ कि आपका क्विज कब होगा आपके सब्जेक्ट? बेटा आप शायद लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन मैंने कहा था कि क्विज नहीं होगा, एक 10% आपके होंगे क्लास पार्टिसिपेशन के और 10% होंगे आपके असाइनमेंट के और बाकी आपका ये होगी 20%। 20% का आपका मेडोन है जो कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी उसमें क्या चीजें होंगी क्या चीजें नहीं होंगी। 20% ही आपका होगा हमारे पास वाइवा और 40% का आपका फाइनल लिटल एग्जाम होगा।
ये आज हमारे मेड ऑनलाइन होंगे बहुत ज्यादा बेटा, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। चलें ठीक है सर, हमारे मिड से मिड ऑफ जून से स्टार्ट हो रहे हैं तो कितने लेक्चर्स इंक्लूड होंगे इसमें? फातिमा अगर आप बातिंग कर रही तो अपना माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा तो मैं कह रहा था कि बेटा आपने क्या पूछा था विनाहिल सर? जी जी बोले बेटा। सर वो क्विज का पूछ रही थी, आप असेसमेंट का बता रहे। हाँ बेटा क्विज नहीं होना आपका, और आपकी असाइनमेंट होगी और क्लास पार्टिसिपेट के 10% मार्क्स होंगे आपके। तो असेसमेंट अब वो आप सिलेक्ट करेंगे कि वो की एसएसएस की तरफ से आपको बताया जाएगा? बेटा असाइनमेंट तो मैं ही दूंगा आपको, बाकी सब चीजें स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस ही आपको बताएगा कि मिड कब के मिड के मिड में कौन कौन सी चीजें होंगी और फाइनल और फिर कब मोड ऑफ डिलीवरी, मतलब कि ऑनलाइन होना है या फिर ऑन कैंपस होना है, वो सब कुछ यूनिवर्सिटी आपको थ्रू ईमेल इन्फॉर्म कर देगी टाइम पे। सर एक और बार बता दें, आपने बुक रिकमेंड की थी तो आप साथ साथ ये चीजें बताते रहते हैं, तो फिर अब बुक साथ साथ करनी है देखना या बस यही है? बेटा अगर आप बुक देख ले तो बेहतर है, आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। लेक्चर्स तो सेट होते हैं कि आप, मैं सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा कवर कर दूं और फिर आप जाके सारे डिटेल बुक से पढ़ें। तो सर आप वाइवा में बुक से लेंगे? हां यही कर लें, बड़ी बात है। आदिल तो पढ़ के आएगा मेरे ख्याल में बुक। बेटा ऑब्वियसली जो बच्चे देता हूं, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा है सर, ये भी कर इतने मुश्किल है, हम लोग ये करने से बड़े मुश्किल से पड़ा। यस सर, इतने ज्यादा डिफिकल्टी है सर, ये नाम है सर। आप बुक अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लेना और ये वाले लेक्चर सिर्फ वाइवा में ले लें। तैयार तो करें ना, पता लगे बाद में जाके वो आ रहा हो तो फिर क्या करें? नहीं आएगी सर, चले आप स्लाइड्स अच्छे तरीके से पढ़ते रहे ठीक है, और आपको टाइम मिले वहाँ पे आप बुक भी देख लिया करें। अच्छा बेटा कंटिन्यू करते हैं, हमारा पहले टाइम काफी वेस्ट हुआ था। आप लैब डायग्नोसिस कैसे करेंगे? लैब डायग्नोसिस आप बैचलर्स का कैसे कर सकते हैं, वो आप कल्चर के थ्रू कर सकते हैं। कल्चर पे मैंने आपको बताया कि इट इज अ ग्राम पॉजिटिव फ्रॉड स्क्वेयरेंट्स, लेकिन हम इसके डायग्नोसिस के लिए कल्चर यूज नहीं करते, हम इसके लिए मोस्टली यूज करते हैं पीसीआर और साथ में सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल टेस्ट में हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट आता है और पीसीआर आता है, ये हमारे पास टेस्ट ऑफ चॉइस है फॉर डायग्नोसिस ऑफ बैसिलस एंथ्रेक्स। और ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट हमारे पास इसका है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। अगर पेशेंट को हमारे पास इस ड्रग की रेजिस्टेंट हो तो फिर हम डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज कर सकते हैं, विच इज अ टेट्रासाइक्लिन। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये दोनों ड्रग्स यूज करते हैं। और आप इवेंट कैसे करेंगे? वो लोग जो हाई रिस्क लोग हैं, फॉर एग्जांपल वो जो हूफ्ड एनिमल्स को हैंडल करते हैं ठीक है, आप उनको वैक्सीन दे सकते हैं और वैक्सीन में हम इनका प्रोटेक्टिव एंटीजन देते हैं एज अ एंटीजन टू एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। प्रोटेक्टिव एंटीजन जो हमने पीछे पढ़ा था कि पार्ट ऑफ होता है, पार्ट है एंथ्रैक्स टॉक्सिन का, और एंटीजन का फंक्शन ये होता है कि इसने एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर की सेल के अंदर एंट्री करवानी होती है। तो सिर्फ हम उस प्रोटेक्टिव एंटीजन को आइसोलेट करते हैं बैक्टीरिया से, उसे यूज करते हैं एंटीजन, और फिर उसे वैक्सीन डेवलप करते हैं टू एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स। और वो वैक्सीन हम किनको किन लोगों को देते हैं? उन लोगों को देते हैं जो कि हमारे पास हूफ्ड एनिमल्स को हैंडल करते हैं, जिसे हम मतलब कि हाई रिस्क पॉपुलेशन कहेंगे। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनकी एंथ्रेक्स से डेथ होती है, उन पेशेंट्स को इंसिनरेट करना चाहिए, उन्हें सॉइल में बरी नहीं करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अगर आप उन एनिमल्स को सॉइल में बरी करेंगे तो उस
हमारे पास फिर फर्दर सॉइल की कंटेमिनेशन होगी स्पोर्स के साथ और फिर वो फर्दर ट्रांसमिशन हो सकती है वहां से। बेटा लास्ट पॉइंट में मैंने आपको ये बताया कि वो एनिमल्स जो जिनकी एंथ्रेक्स से डेथ होती है उन एनिमल्स को इनसिनरेट करना चाहिए, जलाना चाहिए, उन्हें वैसे सॉइल में नहीं दफन करना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि जब आप उन्हें सॉइल में दफन करेंगे तो उनकी उनकी डेथ हुई है एंथ्रेक्स से, तो एंथ्रेक्स से फिर हमारे पास दोबारा बन जाएंगे स्पोर्स और उन स्पोर्स से फिर सॉइल की कंटेमिनेशन होगी तो फिर वहां से फर्दर स्पोर्स की ट्रांसमिशन हो सकती है। किसी बंदे को ट्रोमेटिक इम्प्लांटेशन हो सकती है, किसी बंदे में इनहेलेशन हो सकती है। तो अगर किसी एनिमल की एंथ्रेक्स से डेथ होती है तो आपने उसे इंसिनरेट करना है, जलाना है, उसे दफन नहीं करना, ठीक है? ओके ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है कि ये हमें दिखाया हुआ है ग्राम स्टेन कैसा होगा बैसिलस एंथ्रेक्स का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड है व्हिच आर प्रेजेंट इन चेन्स, तो ये हमारे पास बैसिलस एंथ्रेक्स का इस तरह से आएगा। ग्राम पॉजिटिव मैंने बताया था हमारे पास यहाँ तो क्रिस्टल वायलेट होगा, यहाँ पे ब्लू होगा या पर्पल होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे बैसिलस सीरीज के बारे में। बैसिलस सीरीज हमारे पास एरोबिक है, ये हमारे पास नॉन इनकैप्सुलेटेड है। बैसिलस सिर्फ बैसिलस एंथ्रेसिस हमारे पास इनकैप्सुलेटेड है और बैसिलस सीरीज और बैसिलस सबटाइलिस हमारे पास नॉन इनकैप्सुलेटेड है। ये हमारे पास मोटाइल हैं और ये भी हमारे पास स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। इसके विरुद्ध सेक्टर्स हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। उसके अलावा एंटीरोटॉक्सिन है, हेमोलाइसिन है और लेसिथिनेज है। लेसिथिनेज का फंक्शन क्या होता है, ये लेसिथिनेज का फंक्शन ये होता है कि ये सेल्स की जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उसको डिसॉल्व करते हैं। हीमोलाइसिन हमारे पास आरबीसीज की हीमोलिसिस कॉज करते हैं। एंटीरोटॉक्सिन हमारे पास इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन में जाके डायरिया कॉज करवा सकते हैं। और स्पोर्स, स्पोर्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो रेजिस्टेंट होते हैं, कब प्रोड्यूस होते हैं, जब हमारे पास अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो, और जब हमारे पास फेवरेबल इन्वायरमेंट हो मतलब वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो तब वो फुल ग्रोन बैक्टीरिया में जर्मिनेट कर सकते हैं। बैसिलस एंथ्रेसिस बैसिलस सीरीज हमारे पास सिर्फ एक ही डिजीज कॉज करते हैं, उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस। इसमें क्या होगा कि हमारे पास ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर अगर उनकी स्पोर से कंटेमिनेशन हो, बैसिलस सीरीज के स्पोर से कंटेमिनेशन हो, तो जब आप उन ग्रेन्स को कुक करेंगे, ठीक है, तो स्पोर तो हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं, स्पोर की डेथ होगी। एंड आफ्टर कुकिंग द राइस तो उसे क्या हुआ कि हमारे पास जो स्पोर्स होंगे वो जनरेट करेंगे बैक्टीरिया में और बैक्टीरिया फिर अपना टॉक्सिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। इस तरह से इनकी ट्रांसमिशन होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनकी ट्रांसमिशन कैसे होनी है, आपने कहना है कि रीहीटेड एग फ्राइड राइस इनकी ट्रांसमिशन होती है, क्योंकि जितने भी केसेस हमने देखे हैं ना इसके बैसिलस सीरीज के, ऑलमोस्ट 90% केसेस में पेशेंट ने रीहीटेड एग फ्राइड राइस कंज्यूम किए होते हैं इन द लास्ट 24 आवर्स और इस वहां से इसकी ट्रांसमिशन होती है। और पैथोजेनेसिस क्या है कि बैसिलस सीरीज हमारे पास दो एंटीरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। एक एंटीरोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल कॉलरा टॉक्सिन की तरह है और दूसरे एंटीरोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल स्टेफोरिस के एंटीरोटॉक्सिन की तरह है, दैट इज इट विल एक्ट एज अ सुपर एंटीजन। तो चेंज इट इज प्रोड्यूसिंग टू टॉक्सिंस, इट विल कॉज टू डिफरेंट सिंड्रोम्स। एक सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है, मतलब कि पेशेंट के खाना खाने के विद इन 4 आवर्स हमारे पास मैनिफेस्ट करता है और इसमें पेशेंट को मोस्टली नॉजिया और वॉमिटिंग होता है, सिमिलर टू स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग। और जो दूसरा सिंड्रोम है उसमें हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 18 आवर्स होता है और उसमें पेशेंट को नॉन ब्लडी वाटरी डायरिया होगा एंड इट विल रिसेंबल द कॉलरल डिजीज। लैब डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं, लैब डायग्नोसिस जो हमारे पास सस्पेक्टेड फूड सोर्स है उसके स्पेसिमेन से कल्चर करके कर सकते हैं, लेकिन हम इसका मोस्टली लैब डायग्नोसिस परफॉर्म नहीं करते क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और 24 to 48 hours में ये खुद ही खत्म हो जाती है। जो हमारे पास तीसरी स्पीशीज है वो है बैसिलस सबटाइलस। बैसिलस सबटाइलस हमारे पास प्रेजेंट होता है सॉइल में और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में। बैसिलस सबटाइलस हमारे पास कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता, इट इज अ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसे हम यूज करते हैं रिसर्च पर्पसेस के लिए और कमर्शियल यूज के लिए। रिसर्च पर्पसेस में हम एंडोस्पोर के फंक्शन को या स्पोर के फंक्शन को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। कमर्शियल में हम इसे यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड बनाने के लिए।
तो यहाँ पर हमारा बैचलर्स कवर हो गया सारा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको समझ आ गया बेटा? Yes sir. पहले तो मनाहिल आप मुझे बताएं कि क्यूटेनियस एंथ्रेक्स क्या होता है? बताएं मनाहिल आप। सर क्यूटेनियस एंथ्रेक्स जो है वो ब्लैक स्पॉट बन जाता है जो कि इवेंचुअली स्प्रेड होने लग जाता है इन द बॉडी अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। इसके अलावा इससे ये होता है कि अगर हम इसको नहीं ट्रीट करेंगे तो इवेंचुअली डेथ भी हो सकती है और ये पेनलेस होता है और बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। अच्छा और वुल्स ऑटो डिजीज क्या है? आदर आपसे ही मैंने पूछना, आपने आज बहुत सुना है बाकी बच्चे भी हैं। परमन जी एंथ्रेक्स है। सर मैं बताऊं बिगन्स करते हैं नॉन स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स होते हैं सिम्टम्स इसके ना इन्फ्लुएंजा के साथ रिजेंबल करते हैं। इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स में जैसे फीवर फ्लू ड्राई कफ वगैरह आ जाते हैं और सब इंटरनल प्रेशर और ये तो आपने सारे बताए ना नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इसमें हेमोरेजिक मेडियास्टिन सही पता नहीं क्या है मेडियास्टिनाइटिस पता नहीं क्या होता है और सेप्टिक शॉक और डेथ। चलें ठीक है बेटा, बाकी आप लोगों ने ये लेक्चर पढ़ के आना है, मैंने नेक्स्ट क्लासेस आप सबसे ठीक है और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे क्लोस्ट्रीडियम। चलिए बेटा क्लास एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं अगर कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन नहीं है। सर फिर आप रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। रिकॉर्डिंग जी बेटा सर रिकॉर्डिंग आज अपलोड हो जाएगी सभी लेक्चर्स की। सर जो लास्ट वीक वाली रिकॉर्डिंग है वो डिस्कार्ड तो नहीं हुई होगी ना अभी तक? होपफुली नहीं हुई होगी, 8 दिन रहती है, अभी 7 दिन हुए हैं। ओके सर चलिए ठीक है बेटा क्लास एंड करते हैं फिर। ओके सर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।